please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे के पास खेतों में एक बस पलटी नजर आई. चश्मदीदों का दावा है कि बारातियों से भरी ये बस तेज रफ्तार की वजह से हादसे का शिकार हुई. और इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. बेकाबू बस ने हाईवे पर एक कार को टक्कर मारी. वो टक्कर लगने से कार को भी काफी नुकसान पहुंचा. हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई. कुछ देर की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से बस को खेतों से बाहर निकाला गया. हमारे यहाँ आने से पहले ही बताया गया कि एक दो लोगों के मामले से चोटें आई थी. वो लोग सदा ही अपने गंतव्य तक चले गए और बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है तुरंत. हादसे में घायल लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और डॉक्टरों ने सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई. वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर बवाल हुआ. एक शादी समारोह के दौरान एक छात्र पर गाड़ी चढ़ाने के बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया. छात्रों और बारातियों के बीच मारपीट शुरू हो गई. गुस्साए छात्रों ने करीब 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और एक गाड़ी में आग भी लगा दी. घटना बीएचयू परिसर में बने केंद्रीय विद्यालय के पास हुई जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स परिसर में मौजूद है. मथुरा की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. यूपी के मथुरा में एक पेंट की फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. हरियाणा के रोहतक में पुरानी रंजिश की वजह से एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यूपी के इलाहाबाद में कुछ लोगों ने वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का ऑफिस चलाने वाले एक आदमी को गोली मारकर जख्मी कर दिया. चंडीगढ़ में 20 रुपए की पार्किंग फीस पर हुए विवाद के बाद दुकानदारों और पार्किंग कर्मियों के बीच हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए. यूपी के कुशीनगर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम के बाद बच्चों के शव को न सिलने का आरोप लगाया. बिहार के वैशाली में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए. जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर बांटे गए. साउथ इंडिया मीडिया समिट 2018 को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सनसनीखेज पत्रकारिता को गलत बताते हुए मीडिया को सतर्क रहने की सलाह दी. राजस्थान के अजमेर में कुछ किन्नरों ने नकली किन्नर बनकर बस में पैसे वसूलने के आरोप में एक आदमी की पिटाई कर दी. यूपी के कुशीनगर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई. हरियाणा के रेवाड़ी में एक लड़के को सोशल मीडिया पर एक लड़की की अश्लील तस्वीर डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. यूपी के आगरा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया. एबीबी नाम की कंपनी ने गुजरात के वडोदरा में देश का पहला सोलर माइक्रोग्रिड लगाया. दिल्ली में इंडिया गेट के पास आजादी के बाद शहीद हुए जवानों की याद में बन रहा युद्ध स्मारक इस साल 15 अगस्त को तैयार हो जाएगा. प्रोजेक्ट में शामिल एक अधिकारी ने दावा किया है कि ये युद्ध स्मारक इंडिया गेट के पास करीब 40 एकड़ में बन रहा है जिसके बीचों बीच में 15 मीटर ऊंची एक मीनार होगी. इस मीनार के ठीक ऊपर देश का राष्ट्रीय चिन्ह लगा होगा जिस पर शहीदों के बलिदान की याद दिलाने के लिए ज्योति जलती रहेगी. युद्ध स्मारक में मुख्य स्तंभ के चारों तरफ 4 गलियारे बनाए जा रहे हैं. पहले गलियारे में शहीदों के जन्म से शहादत तक की जानकारी होगी. दूसरे गलियारे को वीर चक्र नाम दिया गया है जिसमें आजादी के बाद के अहम युद्धों की जानकारी होगी. तीसरे और चौथे गलियारे में बनी अलग अलग पट्टियों में तीनों सेनाओं के करीब 22,000 शहीदों के नाम लिखे जाएंगे और अगले 40 वर्षों में शहीद होने वाले जवानों के लिए 4,000 पट्टियों को खाली छोड़ दिया जाएगा. इस युद्ध स्मारक के साथ ही इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय भी बन रहा है जो एक सुरंग के जरिए युद्ध स्मारक से जुड़ेगा. हालांकि राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय का काम युद्ध स्मारक के बाद पूरा होगा. सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 2015 के बजट में 500 करोड़ रुपए की रकम जारी कर चुकी है. यूपी के मथुरा के शाता इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई. दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के पास की इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए शुरुआत में दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 2 और गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाना पड़ा. आग की खबर मिलते ही वहां दमकल कर्मियों के साथ लोगों की भीड़ भी जुट गई. कुछ लोगों ने दावा किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी फैक्ट्री के अंदर मौजूद केमिकल की वजह से तेजी से भड़क गई. हालांकि पुलिस ने हादसे की जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आने की बात कही. अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा क्या हो रहा है, इसके अंदर कैसे लगी आग. गनीमत रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था. हालांकि आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. पुलिस के मुताबिक एक छोटी सवारी गाड़ी रास्ते में खड़े ट्रक से जा टकराई. इस गाड़ी में 17 लोग सवार थे जो
शाहजहांपुर जा रहे थे। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2018 के अंत में राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने को संभव नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 2018 के अंत में होने वाले 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराना संभव नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क के बिना एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि लीगल फ्रेमवर्क के बाद कुछ ही महीनों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत। रावत साहब, बार बार ये बात होती है कि एक देश एक चुनाव कब होगा, यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन कब तक हो पाएंगे? चुनाव आयोग की क्या पोजीशन है आज की तारीख में? इस साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में चुनाव आयोग से 2015 में सुझाव मांगे गए थे, तो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराए थे कि ये संशोधन संविधान में चाहिए होंगे और ये संशोधन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चाहिए होंगे। जब ये संशोधन हो जाते हैं तो लॉजिस्टिक इश्यूज, जिसमें EVM VVPAT की आपूर्ति, दूसरा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की उतनी ज़रूरत, तीसरा पोलिंग पर्सनल की उतनी ज़रूरत, उन सब की ज़रूरत होगी, उसके अनुसार कराए जा सकते हैं। यानी आपका कहना है कि लीगल फ्रेमवर्क के बिना जो है एक देश एक चुनाव संभव नहीं है? जी नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये सरकार की तरफ से या खबरें आती हैं कि क्या मध्य प्रदेश के साथ जो लोकसभा का चुनाव है, साल के अंत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, क्या लोकसभा के चुनाव को अगर मध्य प्रदेश के साथ कराने की स्थिति हो तो क्या चुनाव आयोग उसके लिए तैयार होगा लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ? अभी ये मुश्किल है कहना, क्योंकि हमारे जो मशीनों के ऑर्डर्स थे उतनी मशीनें सप्लाई होनी हैं सितंबर एंड तक, और फिर उसके बाद इतनी भारी संख्या में उनका फर्स्ट लेवल चेक कराना इतने कम समय में वो संभव नहीं होगा। इसलिए मुझे तो ये हाइपोथेटिकल लगता है, संभव नहीं लगता। लेकिन 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसके साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होते हैं, तो उस समय क्या आपके पास इतना EVM होगा कि उन राज्यों के चुनाव भी साथ में करा सके? क्योंकि वहाँ तो आपको वक्त के साथ चुनाव भी कराना होगा। नहीं, लोकसभा और उन 5 राज्यों के साथ चुनाव कराने के लिए जो पर्याप्त संख्या में EVM VVPAT चाहिए उनके ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और वो सब सप्लाई सितंबर तक हो जाएगी, तो इसलिए उन चुनावों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सारे लीगल फ्रेमवर्क पूरे हो जाएं तो चुनाव आयोग को कितना वक्त लगेगा अपने लॉजिस्टिक को देखते हुए कि आप लोग चुनाव करा लेंगे, जैसे EVM है, VVPAT है, उसकी संख्या को देखते हुए? अगर लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए तो उसके बाद चुनाव आयोग को कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ 1-2 क्रिटिकल कंपोनेंट हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और EVM। तो चूंकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है तो बहुत आसानी से हो सकता है और कुछ महीनों में ही हो सकता है। मेहंदी रत्ता जी, जो कि चुनाव आयोग में एडवाइज़र रह चुके, उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हाल के वक्त में चुनाव आयोग की साख जो है वो गिरी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अलग अलग कराए गए, सवाल उठता है कि क्यों कराया गया। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का जो मसला था लाभ के पद का, उसमें भी उनको अंतिम दौर में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं, क्योंकि आप भी सुनवाई के दौरान रहे होंगे? ये इंडिविजुअल परसेप्शन की बात है जिस पर कमेंट करना उचित नहीं है। बाकी जिन परिस्थितियों में जिस समय पर ये निर्णय हुए हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल कमीशन ने निर्णय लिए हैं, इसलिए उन पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाल अब आप लोग जो है अगले महीने एक बैठक बुलाने वाले हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की, क्या ये बैठक चुनौतियों के अलावा जो हाल के वक्त में चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं उन पर उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए है? बेसिकली फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम लोग इनफॉर्मली मिलते रहे हैं, उनके सुझाव लेते रहे हैं, कंसल्ट करते रहे हैं ताकि उनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जा सके। अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका अनुभव का फ़ायदा आगे आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से कॉन्टेक्स्ट अगर देखें आप तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इस समय जो चैलेंजेस देख रही है, फेसबुक, कैम्ब्रिज एनालिटिका, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, अब्यूज़ ऑफ मनी, इन सब इश्यूज़ पर
आगे किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम करे कि इलेक्शंस विद इंटेग्रिटी हो सके, इसके लिए ये स्ट्रक्चर्ड मीटिंग की अवधारणा बनाई गई है और ये मीटिंग इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ट्रॉमा सेंटर के अंदर कई लोग एक मासूम बच्चे को घेरे नजर आए। जानकारी के मुताबिक पावामऊ में एक पुलिस वाले की सगाई समारोह में फायरिंग के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल दो लोगों में एक की हालत नाजुक बताई गई। मामले में दूल्हे के भाई ने आरोप लगाया कि सगाई समारोह की रस्म पूरी होने के बाद लड़की के मामा ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मुझे लगता है जहाँ तक लड़के को मारने आया था वो, क्योंकि मार नहीं पाया, सगाई में ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस ने जांच के बाद वारदात का पर्दाफाश करने का दावा किया। लड़की जो थी उसके मामा के यहाँ पे ड्राइवर था, उसी के द्वारा फायरिंग की अब तक बात आ रही है। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। महाराष्ट्र के बीड में धमाके के बाद गिरी एक इमारत के पास लोगों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों ने दावा किया कि इस इमारत की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई। हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और घायलों की तलाश करने लगे। चश्मदीदों के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल पर पटाखों के लिए जो बारूद रखा हुआ था, वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि बारूद की वजह से दूसरी मंजिल में धमाका हो गया और वो भर भरा कर नीचे गिर गई। हालांकि हादसे में तीन बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। जालमिया ग्रुप ने लाल किले को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गोद ले लिया। केंद्र सरकार की एडॉप्टर हेरिटेज स्कीम के तहत लाल किला देश की ऐसी पहली ऐतिहासिक इमारत बन गया है जिसे जालमिया ग्रुप ने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गोद ले लिया। यूपीएससी परीक्षा में बिहार के अतुल प्रकाश के चौथे स्थान पर आने पर परिवार में जश्न का माहौल दिखाई दिया। यूपी के लखनऊ में 29वें रोड सेफ्टी सप्ताह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा। यूपी के कुशीनगर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। यूपी के वाराणसी में बीएचयू कैंपस में आई बारात की गाड़ी का पहिया एक छात्र के पैर पर चढ़ने के बाद गुस्साए छात्रों ने हंगामा कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में कीर्तन के दौरान एक गायक पर नोटों की बारिश की गयी। कप्तान श्रेयस अय्यर के 93 रन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली डेयरडेविल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल मुकाबले में 55 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। मलेशिया में होने वाले एशिया कप T20 के लिए चुनी गई 15 सदस्यों वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली डेयरडेविल्स के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस चोट लगने के बाद आईपीएल से बाहर हो गए। उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज जूनियर डाला को टीम में शामिल किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 71 साल के बुजुर्ग राम कुमार और उनके परिवार से माफी मांगते हुए उनको मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये माफी निचली अदालत में मजिस्ट्रेट की तरफ से दी गई सजा पर मांगी, जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने राम कुमार को इलाज के लिए मानसिक रोगियों के अस्पताल भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने केस के सिलसिले में अदालत की सुस्त प्रक्रिया पर नाराजगी जताई थी। राम कुमार 20 दिनों तक अस्पताल में रहे, जहां उनको बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले पर माफी मांगते हुए राम कुमार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। और इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली के मानसिक रोग अस्पतालों में गैर कानूनी तरीके से रखे गए लोगों की जांच के भी आदेश दिए हैं।